हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर एक बार क्रोशे का बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और देखिए इसे भी बनाना बहुत आसान है, ये एक रंग से बनाया मैंने। इसे बनाने के लिए इस तरह से मैंने सिंगल फंदे से चेन बनाई है। और ये चेन मैं जितना बड़ा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी आपको, उतनी बड़ी ही बनाऊंगी। आप इस डिज़ाइन को देखकर जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहो किसी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो, स्वेटर या कार्डिगन्स या और भी कोई इस तरह के डिज़ाइन से प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं ये चेन बना लूँगी छोटी सी, इस तरह से 20-25 चेन की सिंगल फंदे से। उसके बाद इस तरह से हर चेन से फंदा बना लूँगी, इस तरह से सिंगल फंदे से, हर चेन से इस तरह से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊँगी पूरी चेन पर लास्ट तक। और ये लास्ट तक इसी तरह से हर चेन से मैंने जो नीचे थी मेरी बना लिए हैं फंदे, और इस तरह से दो 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 फंदे करके बुनती चली जाऊंगी पूरे फंदों को। इस तरह से सिंगल धागे से मैं दो दो फंदों को बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। लास्ट तक इसी तरह से मैं दो दो करके फंदे बुनती चली जाऊंगी। और ये मैंने बुन लिए हैं देखिए पूरी चेन के फंदे। दोबारा मैं फिर देखिए इस तरह से हर फंदे से फंदा सिंगल बना लूँगी, जहाँ से मैंने पहले बनाया था इस तरह से, इस जगह से देखिए यहाँ से ये। फिर मैं गिनकर 6 फंदे बना लूँगी या इस जगह से, और 6 फंदे गिनकर बनाने के बाद मैं आगे के फंदे से इस तरह यहाँ से 4 बार डबल क्रोशिया निकालूँगी, 1 2 3 4। 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे के फंदे से मैं उसी तरह बनाऊँगी जैसा मैं पीछे बनाती चली आई हूँ। इस तरह से यहाँ से सिंगल फंदा, 1 2 3 4 और ये 5। 5 सिंगल फंदा बनाने के बाद मैं फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी, गिनकर 5 फंदा बुनने के बाद इस तरह से, 1 2 3 और 4। 4 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। और जैसे मैं
पीछे की तरफ बनाते चले आए इस तरह से यहाँ से सिंगल फंदा, उसी तरह से फिर हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा, दो तीन चार पाँच, और पाँच बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से भी डबल क्रोशिया चार बार गिनकर एक दो तीन और चार, चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे के सिंगल फंदों से उसी तरह से सिंगल फंदा इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः, लास्ट में मैं इस जगह से एक और फंदा ले लूँगी यानी सात। तो स्टार्ट में हमारे छः थे, यहाँ पे सात, और इस तरह से मैं दो दो करके बनती चली जाऊँगी। ये रो भी सेकंड रो, फर्स्ट रो में हमारे ये जो सिंगल फंदे थे उन्हें हमने दो दो करके बुना था। अब देखिए ये हमारे सेकंड रो में चार बार डबल क्रोशिया बनाया था मैंने, उसे भी मैं एक बार सिंगल धागे से ही इधर सिंगल फंदे से ही बुन दूँगी। सिंगल फंदे से ही एक साथ पूरे डबल क्रोशिया को बुनने के बाद आगे मैं दो दो करके बुनती चली जाऊँगी, दो दो फंदों को जैसे बुनती चली गई थी फर्स्ट रो में। और जब हम डबल क्रोशिया वाले जगह पे आएंगे जो चार बार है, उसे भी एक बार सिंगल फंदे से बुन लेंगे इस तरह से एक साथ, जो इस तरह से देखिए। फिर दो दो फंदों को बुनती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक, और जो हमारी डबल क्रोशिया हैं चार बार उन्हें सिंगल फंदे से एक बार, फिर लास्ट के फंदों को भी बुन लूँगी मैं दो दो करके। और फिर मैं जैसे मैंने सेकंड रो में बनाया है और फर्स्ट में, तो उसी तरह से मैं ये थर्ड रो भी इस तरह से हर फंदे से सिंगल फंदा यहाँ से बनाती चली जाऊँगी। तीन मैंने बना लिए हैं, तीन और बनाऊँगी, चार पाँच और ये छः। छः बनाने के बाद मैं फिर आगे इस जगह से यहाँ से मैंने बनाया था डबल क्रोशिया बनाऊंगी चार बार जैसे पहले बनाया, एक दो दो तीन चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे के सिंगल फंदे से इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी मैं इस तरह से इस जगह से। और यहाँ पे जो मैंने पांच सिंगल फंदे से डिज़ाइन बनाती आ रही हूँ पांच ही बुन लूँगी मैं, तीन चार और ये पांच, पांच के बाद उसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं, एक दो तीन चार, चार बार बनाने के बाद आगे के डिज़ाइन से भी मैं उसी तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी हर सिंगल फंदे से यहाँ से इस जगह से, और सिंगल फंदे बनाने के बाद
आगे की जो डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन है चार बार, यहाँ से भी मैं चार बार गिनकर डबल क्रोशिया निकाल लूँगी यानी बना लूँगी इस तरह से दो। तीन चार और चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जिस तरह से मैं पीछे का डिज़ाइन ये बुनती चली आई हूँ आगे भी इसी तरह से बुन लूँगी मैं आगे की सिंगल फंदों से। तो देखिए पूरा मैंने बना लिए हैं फंदे और दो दो करके बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। और जो हमारे चार बार डबल क्रोशिया हैं उन्हें भी सिंगल फंदे से ही एक साथ बुन लूंगी इस तरह से और फिर आगे के फंदों को दो दो करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। और जो हमारे चार बार डबल क्रोशिया हैं उन्हें भी सिंगल फंदे से एक ही बार में बुन लेंगे चारों को। लास्ट तक इसी तरह बुनती चली जाऊंगी मैं सारे फंदों को। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ रो यानी आगे की डिज़ाइन के लिए देखिए इन फंदों को मैं जिस तरह से हर बार बनाती हूँ उसी तरह बनाऊँगी। और ये हमारे सिक्स फंदे थे और ये मैंने सिक्स बुन लिए हैं और ये जो हमारा चार बार डबल क्रोशिया था एक आगे पीछे बनाया मैंने और देखिए थर्ड बनाने पे मैं इस जगह से बनाऊँगी जिस जगह पे पहला बनाया था और इसे चार बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे हमारे डिज़ाइंस बराबर रहें। बीच के जो फाइव हमारे हैं डिज़ाइन सिंगल फंदे के उन्हें मैं फाइव बार ही बना लूँगी गिनकर एक दो तीन चार और ये पाँच। और पाँच बीज के इस तरह से बुनने के बाद इसे भी मैं जिस जगह से मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था ये डबल वाला उस जगह से मैं चार बार बना लूँगी डबल क्रोशिया। और चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर सिंगल फंदे का ही डिज़ाइन इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। इस जगह पे भी मेरे फाइव हैं और फाइव बना लूँगी मैं आगे की डिज़ाइन से उसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया। चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे के फंदों से उसी तरह से सिंगल फंदा इस तरह से लास्ट तक। और ये फंदे बनाने के बाद सिंगल मैं इसे सिंगल धागे से ही दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी जैसा पहले बुनती चली आई हूँ इस तरह से दो दो करके। और लास्ट में जो मेरा ये चार बार डबल क्रोशिया वाला है इसे भी मैं सिंगल फंदे से ही बुन लूँगी इस तरह से। और उसके बाद आगे के
सिंगल फंदों को दो दो करके बुनती चली जाऊंगी। और जो डबल क्रोशिया के चार बार बुनाई है उसे मैं सिंगल फंदे से एक साथ बुन लूँगी एक बार में। इसी तरह से मैं पूरे स्वेटर की डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी जो छोटा सा सैंपल बना रही हूँ। लास्ट तक मैं इसी तरह से सिंगल फंदों को दो दो करके बुनती चली जाऊंगी। नेक्स्ट रो यानी फिफ्थ रो यानी या फिर कहें तो हमारी जो पांचवी डिजाइन है या चौथी, इस डबल क्रोशिया की चौथी है और वैसे सिंगल फंदे की पांचवी, तो इसके लिए मैं देखिए इस तरह से फिफ्थ रो में सिंगल फंदों से सिंगल फंदा ही बनाती चली जाऊंगी। और स्टार्ट में मेरे सिक्स फंदे हैं, मैं गिनकर सिक्स फंदे बना लूँगी। उसके बाद देखिए ये डबल क्रोशिया का चार बार है, ये आगे पीछे होता रहेगा डिज़ाइन इस तरह से। अब मैं सेकंड डिज़ाइन जहाँ से बनाया है फोर्थ डिज़ाइन मैं सेकंड वाली डिज़ाइन पे बनाऊँगी इस तरह से, चार बार डबल क्रोशिया एक ही जगह से निकाल कर। तो देखिए इस तरह से जहाँ से मैंने सिक्स सिंगल फंदे बुने और आगे में सिक्स फंदे, फाइव फंदे हैं मेरे सिंगल, तो उन्हें मैं फाइव फंदे बुन लूँगी इस तरह से सिंगल धागे से। और यहाँ पर भी मैं चार बार डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से एक ही जगह से। गिनकर चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे के सिंगल फंदों से सिंगल फंदे बना लूँगी इस तरह से। और इस जगह से भी डबल क्रोशिया चार बार बना लूँगी मैं। जहाँ से हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था वहाँ से मैंने थर्ड बनाया, और जहाँ से सेकंड बनाया था वहाँ से फोर्थ बनाऊँगी। तो देखिए ये इस तरह से जिगजैग में बनता चला जाएगा। और ये सिंगल फंदे हमारे जहाँ से बनेंगे सेम लास्ट तक जितना बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे हम सिंगल फंदे का डिज़ाइन हम वहीं उसी जगह से बनाते चले जाएंगे जहाँ से बनाते चले आए हैं। लास्ट तक बनाने के बाद हम उसी तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा आएगा ये डिज़ाइन, और पीछे से इस तरह से। तो आगे मैं उसी तरह से सिंगल फंदों को दो दो करके बुनती चली जाऊंगी इस तरह से जैसे बुनती चली आई हूं। और जो चार बार डबल क्रोशिया हैं उसको मैं सिंगल फंदे से एक ही बार में बुन दूंगी, और आगे के फंदों को सिंगल उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी दो दो करके। इसी तरह से लास्ट तक मैं बुनती चली जाऊंगी।
देखिए इस तरह से बनेगा कुछ हमारा प्यारा सा ये डिज़ाइन। और ऐसे में जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसे देखकर। तो देखिए इसे मैं बनाती चली जाऊंगी इस तरह से, जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा। आप चाहें तो कैप के लिए यानी लेडीज़ टोपी के लिए भी ये पट्टी बना सकते हैं इसके, इससे बहुत प्यारी लगेगी देखने में। या कैप भी बना सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा ये प्यारा सा क्रोशिए का डिज़ाइन तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिए के डिज़ाइंस। धन्यवाद।